मेरी हर सुबह लेट शुरू होती है, कैसे ना हो। रात को मूवीज़ कौन देखेगा, घर के केबल कनेक्शन की वसूली किसी को तो करनी पड़ेगी ना। इसीलिए हर सुबह मुझे मम्मी की डांट खानी होती। शादी के बाद मैं ये ज़रूर मिस नहीं करूँगी। बड़े होते होते संगीता आंटी मेरे क्लोज फ्रेंड बन गए, लेकिन शादी के दिन पास आते ही उन्होंने झिकझिक करना शुरू कर दिया। ये करो वो करो, हर रोज़ बोरिंग सी रोटी बनाना सिखाते थे। इससे अच्छा रोटी मेकर ही गिफ्ट कर देते। ये झिकझिक मैं मिस नहीं करूँगी। कुणाल के साथ तो 36 का आंकड़ा था। पूरे दिन टीस करते रहता था, रिमोट के लिए झगड़ना, इधर उधर भगाना, और मेरी सारी चॉकलेट्स खा जाता था। जब ऋषभ 2 से आता तो सारे बैग्स मेरे हाथों में थमा देता। जब बैग साइड रख के पूछती कि मेरे लिए क्या लाया है, तो कुछ नहीं लाया हूँ कह के मेरी बात टाल देता था। कुणाल ऋषभ की ये कहा सुनी मैं मिस नहीं करूँगी। मैं दृष्टि से बड़ी क्लोज हूँ। गॉसिप करना, शॉपिंग करना, ये हमारा रोज़ का काम था। लेकिन छोटी होने का काफ़ी फ़ायदा उठाया। शॉपिंग मैं करती और कपड़े वो पहन देती। शादी के बाद मेरे कपड़े मेरे ही रहेंगे। और उषा आंटी हमेशा से मेरी टीचर बन के रहती। रोज़ कहती रिस्पॉन्सिबल बनो, तेरे भले के लिए ही कहती हूँ। ऐसा लगता था जैसे मैं दो दो मम्मी के साथ रहती हूँ। ये सब अब सुनना नहीं पड़ेगा। जब भी लव कुश और गौरव मिलते हमेशा टीज करते मुझे। मंकी, गौड़ी, ना जाने कितने नाम से टीज करते मुझे। इरिटेट करने के लिए शुभम, शिवम और संयम हमेशा मेरे बालों की मस्ती करते। सूरज साहिब हमेशा मुझ पे हंसते रहते। मुझे चिढ़ाने में कोई कमी नहीं रखते। ये चिढ़ना मैं बिल्कुल मिस नहीं करूँगी। प्रवीण अंकल से हमेशा डर लगता, पर जब भी क्लासिक में राउंड मारने जाना होता तो हमेशा उन्हीं को रिक्वेस्ट करना पड़ता। उनके बात टाल देने पे बहुत बुरा लगता। जब भी आउटिंग्स पे जाते मुझे ही सबसे पहले उठाते और बोलते फटाफट उठ, रेडी हो, लेट हो रहा है, और खुद जाके बेड पे आराम करते। मुझे बहुत गुस्सा आता था। उनका ये बिहेवियर मैं बिल्कुल मिस नहीं करूँगी। बचपन से अशोक अंकल ने ही मुझे सबसे ज़्यादा संभाला। डायपर्स पहनाते, डॉक्टर्स के पास ले जाते, बाबुलनाथ महालक्ष्मी मंदिर लेके जाते, आइसक्रीम खिलाते, और आज क्लबिंग जाने की परमिशन मांगू तो मना कर देते। उनको कौन समझाए कि उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है। उनका ये पोसेसिव बिहेवियर मैं ज़रूर मिस नहीं करूँगी। दादू आते तो हमेशा ऑफिस के अकाउंट्स करवाते। जब मैं कहती इन सब का क्या यूज़, तो कहते कि लाइफ में कभी किसी भी एक्टिविटी में पीछे नहीं हटना, हमेशा आगे बढ़ना। अकाउंट्स करना मुझे बहुत बोरिंग सा लगता, पर उनकी बात भी तो नहीं टाल सकती थी। शादी के बाद मैं ये ज़रूर मिस नहीं करूँगी। नीमा बुआ हमेशा मुझे गेम्स खेलने से रोकती और कहती ये कोई उम्र है खेलने की, पहले कुछ धर्म का सीखो, वो कुछ काम आएगा, ये गेम्स नहीं। ऐसा लगता था जैसे बोरिंग लेक्चर्स में बैठी हूँ। शादी के बाद ये लेक्चर्स अब सुनने नहीं पड़ेंगे। पापा की तो मैं पर्सनल सेक्रेटरी थी। हर बार काम के लिए आवाज़ देते, मूवी टिकट्स लाओ, मिठाई लाओ, और सोने पर भी उठा दे देते। कहते व्हाट्सएप करो, इनको यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। एक ड्राइवर बना दिया था। उफ, कितना काम करना पड़ता था।
ये सारे काम मैं मिस नहीं करूंगी। हाँ, शादी के बाद मैं मम्मी की डांट मिस नहीं करूंगी, पर मम्मी की डांट के बिना दिन गुजर सकता है क्या? नहीं, अगर आपने वक्त पे टोका नहीं होता तो आज मैं इस तरह अपनी जिम्मेदारी नहीं सीखती। थैंक यू माँ फॉर बीइंग यू। अच्छा हुआ संगीता आंटी ने रोटी मेकर गिफ्ट नहीं किया। आंटी, आपसे बात करते करते खाना कैसे बनाना सीख गई पता ही नहीं चला। थैंक्स आंटी मुझ पे कॉन्फिडेंस जगाने के लिए। ऋषु और कुणाल, उनका प्यार भी तो नहीं भूल सकती। मेरे लिए गिफ्ट लाते, रिमोट थमा देते और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते। थैंक्स ऋषु, थैंक्स कुणाल मुझे इतना पैम्पर करने के लिए। आंटी के साथ नोकझोंक मिस नहीं करूँगी। और दृष्टि, क्या मजा उन कपड़ों का जब तक तुम उसे पहनकर ख़राब ना कर दो, ताकि मैं जिद करके नए कपड़े ना मंगवा दो। थैंक्स आंटी मेरे सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए और बहुत सारी स्माइल्स शेयर करने के लिए। जब मैं इरिटेट हो जाती तो बहुत प्यार से मनाते, मेरी हर परेशानी को मस्ती में बदल देते। थैंक्स भैयू मेरे स्ट्रेस बस्टर बनने के लिए। प्रवीण अंकल, अब क्लासिक में राउंड के लिए आपको कंपनी कौन देगा? आपकी वो हंसने की स्टाइल पे कौन हंसेगा? थैंक्स अंकल मुझे पूरी इंडिया का टूर कराने के लिए। आज तक के मेरे सारे काम, सारे इश्यूज आपने ही संभाले। स्कूल प्रॉब्लम, कॉलेज इश्यूज और आज मेरी शादी के सब काम आप ही देख रहे हो। चाचा और भतीजी का रिश्ता है, पर मेरे लिए पापा से बढ़कर हो आप। आपके दिए संस्कारों की वजह से मंदिर जाना बिल्कुल मिस नहीं करती। थैंक्स अंकल मुझे आउट ऑफ द ट्रैक जाने से रोकने के लिए और मेरी सारी विशेष पूरी करने के लिए। बुआ, आज आपकी वजह से ही मैं जैन धर्म की आराधना करना सीखी हूँ। थैंक्स बुआ मुझे धर्म ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए। सिंपल बुआ हमेशा से मेरी ब्यूटी को लेकर चिंता करती, हेयर्स कोम करना, बोनी करना, सब वही करती। शादी के बाद अब मेरे को अपने हेयर्स खुद ही कोम करने पड़ेंगे, मेरा ख्याल अब कौन करेगा? थैंक्स बुआ मेरी इतनी केयर करने के लिए। शादी के बाद अब मुझे अकाउंट्स करना भी हो तो मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लूँगी, क्योंकि ऑल थैंक्स टू दादू मुझे अकाउंट्स में अब कोई भी बीट नहीं कर सकता। पापा के इतने सारे काम मिस ना करूँ, लेकिन पापा के सारे काम अब कौन करके देगा? दिन भर मुझे बुलाते नहीं थकते और अब उन्हीं से तो जिम्मेदार बनना सीखा है। थैंक्स पा मुझ पर विश्वास करने के लिए। पर इनके बिना मेरी लाइफ क्या होती? क्या मैं वो होती जो मैं आज हूँ? इनके बिना बड़ा होना बहुत बोरिंग सा होता। शायद मैं उनके ताने मिस ना करूँ, लेकिन उन्होंने जो मुझे दिया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। सब कुछ मिलने पर भी कुछ अधूरा सा रह जाएगा। Perfect, perfect.